40 साल का एक शख्स और 4 साल की एक मासूम, एक बार फिर वही हैवानियत का खेल। पूरे देश में मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई, लेकिन इन पर अंकुश लगाने के दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। चलिए आपको एक तस्वीर से रूबरू कराते हैं, जहां जुर्म की तमाम हदों को पार कर दिया जाता है और एक रिश्तेदार शख्स अपने परिवार की 4 साल की एक बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बना डालता है। हालांकि आरोपी पकड़ा भी जाता है, लेकिन तो साहस की भी एक हद होती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये एक वो बच्ची है जो कुछ नहीं समझती। बचपन की अटखेलियों के आगे इस बच्ची के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन ये शख्स जो सब कुछ जानता है अपने दुस्साहस को अंजाम देता है। करीब 40 साल की उम्र वाला ये दुस्साहसी 4 साल की इस बच्ची पर गलत नजर डालता है और फिर इसके साथ हैवानियत के गुनाह को अंजाम देता है। ये पूरा मामला जुड़ा है यूपी के हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ इलाके से, जहां अपने ही परिवार की मासूम बच्ची को ये अपने जुर्म का शिकार बनाता है। आखिर जब बच्ची की चीख पुकार सुनी जाती है तो ये बदमाश मौके से फरार हो जाता है। सामने आया है कि 4 साल की मासूम अपने घर पर अकेली थी और घर में खेल रही थी। माँ घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी रिश्तेदारी में लगने वाला दादा कुंवर पाल उसके घर आ जाता है और मासूम को अकेली पाकर उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम देता है। जब मासूम चिल्लाने लगती है और आरोपी उसे छोड़कर भाग जाता है, चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे में पहुंच जाती है तो मासूम की हालत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है। मैं अपना घर जा रहा था जी, गेट में से एक गली लौटी थी, मेरी मम्मी आई थी, मैं जब अपना घर चले गया थे, लेट थी जो आरोपी है जी, इसे थोड़ा आगे लेट तो गाड़ी से अपनी प्रक्रिया चालू कर दी। मैंने जब इसको नहकर कर रहा था ऊपर को, वजह से बच्ची है आया थे नहकर, कभी वैसे कर रहा हूँ नीचे, जो बहम नहीं था, रात दिन आकर अपने घर में आकर बैठे रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे हमारी मम्मी जो आई है अंदर पड़ के अपने कपड़े लेने, बाबा लगता आज कुटुंब का ही परिवार का, जाते रहते हैं काफी, दो दो तीन तीन घंटा खूब रह गए, पर दारू पी रखे नशे में धुलता है। मामला जब इलाके की पुलिस के पास पहुंचता है तो वो भी सकते में आ जाती है। पुलिस परिजनों से जानकारी जुटाकर फरार आरोपी की तलाश करती है और आखिरकार उसे शिकंजे में ले लिया जाता है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और आरोपी से भी पूछताछ चल रही है। शाम को सूचना मिली थी कि तीसरा गांव है बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में, इसमें एक 4 साल की बच्ची के साथ उसी के परिवार के उसके दादाजी रहते हैं, जिन्होंने उसके साथ गलत हरकत की। सूचना मिलने पर मौके पर मैं भी पहुंचा, पुलिस भी पहुंची और बच्ची से पूछताछ किया गया महिला आरक्षी के द्वारा और उनके परिवारजन से पूछताछ किया गया और मुलजिम को भी पकड़ लिया गया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाए। चालीस साल के शख्स की हैवानियत भरी इस वारदात के बाद पुलिस अब आरोपी की पूरी कर्म कुंडली खंगालने में जुटी है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये ही है कि क्यों कोई बच्ची अपने घर में भी महफूज नहीं? क्या अब परिवार से जुड़े लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है? सवाल यूं तो कई हैं, लेकिन इनके जवाब भी हमें ही तलाशने होंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए हापुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट।